किसानों का एक अनोखा ही किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यूपी गेट पर जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे किसान अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ अपना विरोध दिखा रहे हैं। मंगलवार को किसानों ने बारात निकालकर अपना विरोध जताया। जी हाँ, किसानों ने आंदोलन में शामिल एक युवक को दुल्हा बनाया और खोड़ा से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक बारात निकाली। बारात में हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर लगी बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करने की चेतावनी भी दे डाली है। आपको बता दें कि यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन को मंगलवार को 34 दिन हो गए हैं। किसानों का धरना सुबह से जारी रहा, तो वहीं इस दौरान काफी लोग किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर भी पहुंचे। मंगलवार को किसानों ने अलग तरीके से अपना विरोध जाहिर किया। बता दें कि किसानों ने एक युवक को दुल्हा बनाया और फिर खोड़ाकट से दिल्ली बॉर्डर तक बारात निकाली। बारात में हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। इसमें ट्रैक्टरों को भी शामिल किया गया। सबसे आगे वाले ट्रैक्टर पर एक युवा को दुल्हा बनाकर बैठाया गया। बैंड बाजे की जगह किसानों ने ट्रैक्टर पर लगे म्यूजिक सिस्टम पर तेज आवाज में गाने बजाए। किसान गानों पर नाचते और झूमते हुए बॉर्डर की ओर बढ़े, तो वहीं इस दौरान किसानों ने हाथों में कृषि कानून को रद्द करने की मांग वाले बैनर पोस्टर भी ले रखे थे। धरना स्थल से होते हुए बारात दिल्ली बॉर्डर पर पहुंची। यहां पर किसान दुल्हे को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। करीब 15 मिनट तक किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने को कहा। इसके साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करने की चेतावनी भी दे डाली। साथ ही हम आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और भारी संख्या में किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ता देख दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। भारी संख्या में जवान बैरिकेड की तरफ किसानों को रोकने के लिए खड़े हो गए हैं। जब तक किसान बॉर्डर पर बैरिकेड के पास हंगामा करते रहेंगे, जवान भी किसानों को रोकने के लिए डटे रहेंगे। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर